जहां एक तरफ रूस पर हो गया है बहुत बड़ा हमला और रूस को एक तरीके से यूक्रेन के एक बड़े भाग से जो जोड़ रहा था, वहां यूक्रेन ने भीषण हमला कर दिया है। इस हमले से तिलमिलाए रूस ने अब बड़ा ऑर्डर दे दिया है। जहां एक तरफ रूस ने ये बड़ा ऑर्डर दिया है तो वहीं दूसरी तरफ सखालिन 1 एनर्जी प्रोजेक्ट, वहीं दूसरी तरफ सखालिन 1 के लिए पुतिन ने दिया है एक नया ऑर्डर। भारत और जापान दोनों इससे होंगे प्रभावित। जानेंगे रूस में क्या चल रहा है और इसका असर पूरी दुनिया में कैसे पड़ेगा। ये जो इलाका देख रहे हैं, ये इलाका है क्रीमिया का इलाका। 2014 में जब क्रीमिया को कब्जाया था रूस ने, तब क्रीमिया और रूस को जोड़ने के लिए एक यहाँ पर पुल बना दिया था रूस ने। और ये पुल का 2 हिस्सा था, एक हिस्से में ट्रेन जाती थी और दूसरे हिस्से में ट्रकों का आना जाना होता था। ये इतना महत्वपूर्ण था कि जब ये पुल बना था, तब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद ट्रक चलाकर इस पुल का उद्घाटन किया था। रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाला ये पुल था। अब होता क्या है, कथित तौर पर यूक्रेन यहाँ बम रखकर अपने एक ट्रक को भेज देता है और ये ट्रक यहाँ पुल में जाकर फट जाता है। इसकी फुटेज CCTV में रिकॉर्ड भी हो जाती है और यहाँ पुल को एक बड़ा डैमेज पहुँच जाता है। अब समस्या ये है कि अगर इस तरीके की घटना होती है तो इस तरीके की घटना को युद्ध नहीं बोला जाता है, बल्कि एक आतंकवादी घटना बोली जाती है। रूस के अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी समिति इसमें कूद आई। इसने ये कहा, जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त एक ईंधन से भरी हुई ट्रेन पास से गुजर रही थी और ट्रक बम ने उसे निशाना बनाकर 7 बोगियों को उड़ा दिया, जिसकी वजह से पुल के 2 हिस्सों को भारी नुकसान हो गया। ये ट्रक इतना शक्तिशाली बम नहीं लेकर जा रहा था, लेकिन इसने टारगेट किया उस ट्रेन को जिस ट्रेन से ईंधन जा रहे थे। यही वजह था कि बहुत ज्यादा नुकसान इस पुल को हुआ। धमाका इतना बड़ा था कि आग के कारण आसमान में धुएं का गुबार फैल गया। इसके साथ साथ कई और विस्फोट भी हुए, जिसकी वजह से आसपास का नजारा एकदम से डरावना हो गया। पर अब इस लड़ाई ने एकदम से नया रूप ले लिया है और इस लड़ाई ने अब स्थिति को बिगाड़ने का ही काम कर दिया है। पुल का एक बड़ा हिस्सा समुद्र में समा गया है। ऐसे में समझ लीजिए कि रूस और क्रीमिया के बीच जमीनी संपर्क लगभग खत्म हो चुका है। हालांकि पुल का इस्तेमाल यूक्रेन में युद्ध लड़ रहे रूसी सैनिकों को गोला बारूद रसद पहुंचाने के लिए भी किया जाता था, इसलिए इस पुल को जल्दी से जल्दी खड़ा करने के लिए लगी हुई है रूसी इंजीनियरों की पूरी टीम। रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाली ये जो कर्च पुल है, इस पर विस्फोट बहुत बड़ा झटका है। इससे न केवल क्रीमिया से रूस का संपर्क कट गया, बल्कि यूक्रेन में जारी स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को भी बड़ा झटका है। रूस अब उतनी तेजी से डोनेस्क, लुहांस्क और डोनबास के बाकी इलाकों में गोला बारूद और रसद की आपूर्ति नहीं कर पाएगा, जितना इस पुल की सहायता से कर सकता था। इस पुल पर धमाके से यूक्रेन में जंग लड़ रही रूसी सेना के मनोबल को भी झटका लगा है। डोनबास के लोग भी जान गए हैं कि यूक्रेन उनका पीछा तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक दोबारा कब्जा नहीं लेता है। अब इस बात का भी डर है कि यूक्रेनी सेना कहीं क्रीमिया पर कब्जे की कोशिश न करे। अब रूस ने यहाँ पर नया ऑर्डर दे दिया है, युद्ध की कमान दे दी गई है रूसी वायुसेना के जनरल सरगई सुरोकिन को। ने पुतिन का काफी खास अधिकारी माना जाता है। 55 साल के ये हैं जो रूसी वायुसेना के कमान संभाल रहे थे। 2017 में इन्होंने सीरिया में रूसी हवाई हमले की भी कमान संभाली है और रूसी वायुसेना ने सीरिया में जमकर बमबारी की थी। अब यूक्रेन में इस वक्त रूस की स्थिति को देखकर थोड़ा समझ में नहीं आता है कि रूस जो परमाणु शक्ति से संपन्न है, टैक्टिकल परमाणु बमों का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन लगातार रूस को यहाँ पर पीछे हटना पड़ रहा है और कहीं न कहीं यूक्रेन इस बात को लेकर आश्वस्त है कि रूस परमाणु बमों का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि अगर परमाणु बमों का इस्तेमाल करता है रूस तो फिर भारत और चीन पीछे हट जाएंगे। रूस एकदम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अकेला पड़ जाएगा। वैसा लगता है इसी चीज का फायदा भी उठा रहा है और कहीं न कहीं रूसी सेना अपना पूरा बल इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। पर हाँ,
यहाँ पर एक भयानक स्थिति भी बन रही है। अगर पुतिन ने या रूस ने परमाणु बमों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो इससे सबसे ज्यादा हानि अगर किसी को होगी तो वो होगी यूक्रेन की आम जनता को, क्योंकि कुछ भी हो आखिर ये सिविलियंस को साना बनाएंगे ही बनाएंगे। से आपको बता दें, अब इस मुद्दे को रूस ऐसे भी उठा सकता है कि एक वॉर क्राइम के रूप में यूक्रेन ने गलत तरीका अपनाया रूसी पुल को उड़ाने का, एक आतंकवादी के तरह इस तरीके के काम किए। हालांकि यूक्रेन का कहना है कि अभी इस तरह की चीजें और भी ज्यादा होंगी, यानी यूक्रेन ने अब युद्ध का रूप बदल दिया है, यूक्रेन अब दूसरे तरीके से युद्ध करने लगा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन ने एक बड़ा ऑर्डर दे दिया है और इस ऑर्डर का स्वागत कहीं न कहीं जापान ने भी किया है। वैसे आपको बता दें, जापान अमेरिकी खेमे में है और रूस के अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं जापान पुतिन के इस नए ऑर्डर से खुश जरूर है। दरअसल भारत, जापान, अमेरिका, रूस, इनके बीच एक प्रोजेक्ट था जब स्थितियां बिल्कुल नॉर्मल थी। 2001 में ही इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी और इस प्रोजेक्ट के तहत ऑयल और गैस प्रोजेक्ट को बनाया गया था और इसमें जो रूसी कंपनी, भारतीय कंपनी, अमेरिकी कंपनी, जापानी कंपनी को शामिल किया गया था। जाहिर तौर पर ये तेल और गैस के लिए प्रोजेक्ट था, यानी किस देश में कितना जाएगा, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, कौन प्रॉफिट इसमें से लेगा, ये सारी चीजें इस प्रोजेक्ट में थी। यूएस का एक्सोन मोबाइल इस प्रोजेक्ट में 30% की हिस्सेदारी रखता था, तो वहीं भारत की ONGC अभी भी इसमें 20% की हिस्सेदारी रखती है और जापान की सोडेको ये भी इसमें हिस्सेदारी रखती है। लेकिन जैसे ही रूस यूक्रेन की लड़ाई शुरू होने लगी, वैसे ही अमेरिका ने कहा कि अमेरिकी कंपनियां अब निकलेगी यहां से और एक्सोन मोबाइल ने कहा कि हम अपना स्टेक यहां पर बेच के निकल जाएंगे। हालांकि एक्सोन मोबाइल से भारत बातचीत कर रहा था उसके स्टेक को खरीदने के लिए, पर अब स्थिति इसलिए बिगड़ गई क्योंकि यूएस की कंपनी ऑपरेटर थी, जितने भी शेयर होल्डर थे उनको ऑपरेट करने का काम अमेरिकन कंपनी को था। पर अमेरिका के निकल जाने के बाद स्थितियां यहां बिगड़ने लगी थी। समझ में भी नहीं आ रहा था काफी देशों को कि इस प्रोजेक्ट का आगे क्या होगा और जापान के लिए भी स्थिति अलग बन गई थी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जापान के ट्रेड मिनिस्टर ने इस बात को कहा कि ये प्रोजेक्ट जापान के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे तेल और गैस की समस्याएं दूर होती है। अब इसको लेकर आखिरकार पुतिन ने ऑर्डर दिया है कि नए ऑपरेटर को सेट किया जाए ताकि स्कालिन वन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए जिस इन्वेस्टर्स ने पैसे लगाए हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।